हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा भोजपुरी सॉन्ग का हारमोनियम ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिस सॉन्ग का नाम है पिरितिया औरी केतना सताई। जिस सॉन्ग को गाए हैं हमारे भोजपुरी के बहुत ही टैलेंटेड सिंगर पवन सिंह जी ने, और भाई पवन सिंह जी का क्या कहूँ। और एक बात दोस्तों, पवन सिंह जो जिस स्केल से गाए हैं वो स्केल ए माइनर स्केल है, वो इस स्केल से गाए हैं ए माइनर। और माइनर और मेजर का मैंने माइनर और मेजर को अच्छे से समझाया था, सिंपल तरीके से। अगर याद रखना चाहते हैं माइनर और मेजर को तो बस ऐसे याद रख सकते हैं, जिसमें गाधानी कोमल लग गया वो माइनर स्केल हो गया, जिसमें गाधानी कोमल सुर, जिसमें गाधानी कोमल स्वर लग गया वो माइनर स्केल हो गया, और जिसमें सब शुद्ध लगता है वो मेजर हो गया। बस इतना याद रखिए। और माइनर और मेजर कोड क्या होता है, जब हम 1 4 8 लगा देते हैं तो वो मेरा माइनर कोड हो जाता है, और 1 5 8 लगा देते तो वो मेजर कोड, जैसे ये आपका माइनर कोड हो गया, अगर ये 5 लगा दिए तो ये आपका मेजर कोड हो गया। ठीक है दोस्तों, चल जैसा कि मैंने बताया था कि इस सॉन्ग को पवन सिंह जी ने ए माइनर स्केल से गाए थे, ए माइनर स्केल से गाए थे। लेकिन मैं बहुत बार बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इसको जी शार्प माइनर स्केल से करने का कोशिश कर रहा हूँ, और हम लोग करेंगे साथ में। सबसे पहले सरगम, मैंने आपको बताया था जी शार्प माइनर, तो माइनर स्केल का पहले सरगम बजा लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंत्र का नी ध प लगेगा, सा नी ध। ये जैसे मेरा सा हुआ दोस्तों, तो इसके नीचे का जो भी स्वर है वो मंद सप्तक का स्वर कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा यहीं से इसके नीचे वाला स्वर ही मंद सप्तक का स्वर कहलाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जहां से हम गाना शुरू करते हैं उसके नीचे का स्वर जो भी होता है वो मंद सप्तक का स्वर कहलाता है। और इसके अनुसार नी के ऊपर, इसके अनुसार जो ये नी है, नी के ऊपर जो स्वर है वो तार सप्तक का स्वर कहलाएगा, यानी ये जो सा है ऊपर वाला, इसको तार सप्तक का सा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और नीचे का स्वर कौन कौन लग रहा है, ऊपर आपका जाएगा नी सा तक, और नीचे आएगा आपका प तक। आइए दोस्तों सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। सॉन्ग का सबसे पहला लाइन है प्रीतिया औरी कितना सताई, और इस लाइन को करने से पहले एक छोटा सा आलाप अगर हम लोग करें तो बेटर हो सकता है, तो आइए कोशिश करते हैं। तो सा जो है हमारा, उसको आकार में आ के रूप में बोलेंगे, थोड़ा मतलब वेरिएशन के साथ। और इसके बाद दोस्तों इसका नोटेशन है सा सा नी ध नी प सा, इसी को आकार में बोलना है। ठीक है दोस्तों, एक सॉन्ग में छोटा सा आलाप है,
को अगर हम लोग कर ले तो बहुत बेटर हो सकता है। तो आइए वो अलाप कैसे हैं देखें। वो अलाप ग से शुरू होता है, आ समझते हैं। आ, फिर आ, 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 फिर से एक बार दोस्तों, यहां से गाना शुरू होता है। तो दोस्तों मैं सॉन्ग के स्केल के आधे पे गाऊंगा, आप लोग अपना स्केल अपनी आवाज से मिला के गा लीजिएगा और गाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं गाने की ओर। प्रीतिया और कितना सताई, यहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है ये, लेकिन इसका थोड़ा सा कण ले लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ओ रे, ओ रे, चलिए इस पूरे लाइन को समझते हैं। दूसरा बार में दोस्तों, पीरितिया पीरितिया ओरी कितना सताई, पीरितिया तक प पे प्रेस करके रखना है, दबा के रखना, होल्ड करके रखना है। दूसरा के नाम के, दूसरा के नाम के, सारे का पापा पापा, दूसरा के नाम के, दूसरा के नाम के, मेहंदी, फिर यहीं से मेहंदी रचा के, दूसरा के नाम के, मेहंदी रचा चा 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 के, चा के, दूसरा के नाम के, मेहंदी रचा के। फिर इसका वेरिएशन बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों, एक बार और दूसरी तरह से वेरिएशन है। एक बार हो गया सीधा, दूसरा के नाम के, मेहंदी रचा के, अब इसका वेरिएशन बदल जाएगा, दूसरा के नाम के, दूसरा के नाम के, दूसरा के नाम के, सारे मेहंदी रचा।
के फिर भैलू चीज धम धम रे धम धम रे भैलू चीज धम धम रे भैलू चीज पराई के नाम के मेहंदी रचा के दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के भैलू सा पर से डायरेक्ट ये ध पे जाएगा भैलू भैलू चीज भैलू चीज चलिए दोस्तों इस दोनों लाइन को फिर से करते हैं और साथ में करते हैं दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के भैलू चीज पराई पराई प्रीतिया ओरी 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 प्रीतिया एक बार दोस्तों प्रीतिया सीधा लेना है, एक बार थोड़ा वेरिएशन के साथ लेना, जैसे देख लीजिए प्रीति प्रीति प्रीतिया ये जो दोस्तों धापा जो है ये मंद सप्तक का है रे सा धापा सा सा दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के भैलू चीज पराई प्रीतिया बजाना चाहे तो ये ऐसे बजा सकते हैं। और अंतरा का सबसे पहला लाइन है थम ना पाई आंख के आंसू चुपके चुपके रो अभी। चलिए इस लाइन को करते हैं और ये लाइन ग से शुरू होता है डाल सकते हैं दोस्तों, बस सिर्फ
इतना याद रखिएगा कि बस आप संभाल लो, बेसुरा ना हो, खराब ना लगे सुनने में, बस। हम ना पाई आँख के आँसू, फिर से दोस्तों, हम ना एक बार चुप के यहां से चुप के रुअब के रुअब के रुअब के रुअब के रुअब। फिर अगला लाइन है कागज पर तू है गोरी। फिर
थोड़ा वेरिएशन चेंज हो जाता है भाई दोस्तों। बार मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।